हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपको लावा एग्नी 2 5G के टॉप 5 फीचर्स बताऊंगा। ऐसे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बट मुझे जो टॉप 5 बहुत ही अच्छे लगे ये मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फीचर की बात करते हैं, जो है साइड बार। जी हाँ, साइड बार को यूज़ करते हुए आप क्विकली एप्लीकेशन में एंटर हो सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आप उसे फटाफट से ओपन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। जस्ट आप यहाँ पे सेटिंग पर टैप कर लीजिए। सेटिंग में आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। आपको यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इस पर टैप कर लीजिए। यहाँ पे और भी कई सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आइए, आपको देखने को मिलेगा साइड एप्लीकेशन बार। तो यहाँ पे जस्ट आपको इसे इनेबल करना है, ये ऑफ होगा। जस्ट आप इस पर टैप करके आप इसे इनेबल कर लीजिए। इसका यूजेज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड के स्क्रीन से आपको ऐसे स्वाइप करते हुए होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए साइड एप्लीकेशन बार कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे देखिए 4 एप्लीकेशन आपको साइड बार में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है सेटिंग्स, सेकेंड है फोटोज, थर्ड है फाइल्स, एंड फोर्थ है कैलेंडर। बट आप यहाँ पे जो मोस्टली एप्लीकेशन यूज करते हो आपके हिसाब से यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर टैप करना होगा। यहाँ पे देखिए प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा एंड सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे और 3 स्पेस है, आप देख सकते हैं 3 एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जैसे यहाँ पे टैप करोगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ऐड हो जाएगा। सेम कैलकुलेटर है या फिर जो एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हो, मैं यहाँ पे गेम को ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पे गेम बूस्टर। तो यहाँ पे देखिए सारे साइड बार में चीज़ें आ चुकी है। फिर यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए साइड बार में आपको इतने एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। जस्ट आप इसे स्वाइप अप करते हुए राइट या लेफ्ट साइड से क्विकली एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। देन उसके बाद में सेकेंड फीचर आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जी हाँ, एमुलेट डिस्प्ले होने की वजह से ये फीचर ये मोबाइल फ़ोन में दिया गया है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेटिंग में आना होगा एंड जितने भी मैं आपको फीचर्स बताऊंगा वो सारे सेटिंग में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पे सेटिंग में आओगे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इस पर आप यहाँ पे टैप कर लीजिए। यहाँ पे ऑफ होगा। अगर आप चाहते हो इसे यूज़ करना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूजेज क्या है। अगर आप इसे इनेबल करते हो यहाँ से, तो यहाँ पे आपको इसे ओके पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे या फिर जो अच्छा लगे। एंड साथ ही में आपको नीचे कलर्स भी मिलते हैं, आपके हिसाब से यहाँ पे कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही में जो कलर आपको रखना है। देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में होता क्या है, जब आप फोन को लॉक कर देते हो उसके बाद में भी आपको यहाँ पे टाइम, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, डेट, बैटरी परसेंटेज, ये सभी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है और बेसिकली दिखने में अच्छा दिखता है। और आपको फोन को पावर बटन आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर टाइम, डेट सभी चीज़ें दिखाई देती है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए जो आपको बेटर लगता हो या फिर कलर आप सब सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड भी है एनर्जी सेविंग में। तो यहाँ पे आपको अगर मैं लॉक करके बताऊँगा तो एग्जैक्टली उतना आपको पता नहीं चलेगा, बट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, बट काफ़ी अच्छा है देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ थर्ड फीचर की बात करते हैं। आपने अभी देखा मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से फ़ोन को अनलॉक किया है, तो आपको यहाँ पे थर्ड फीचर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशंस। बहुत ही अच्छे, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप रख सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेम सेटिंग पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है, आपको पर्सनलाइजेशन और वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले के नीचे। जस्ट आप इस पर टैप कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे यहाँ पे देखिए फॉन्ट है, लॉक स्क्रीन, क्लॉक स्टाइल है, कस्टमाइज आइकॉन्स, यहाँ पे सारी चीज़ें और भी कई सारे देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन। जस्ट आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलते हैं 4 टाइप्स के। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है जो आपको एनिमेशन अच्छा लगता हो चार्जिंग का। जब आप फोन को चार्ज लगाओगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा मोबाइल फोन के स्क्रीन पे बेसिकली। और यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो चार्जिंग एनिमेशन में यूज कर सकते हैं। और जो फोर्थ फीचर है ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये है एज लाइटिंग। जी हाँ, ये मोबाइल फोन में एज लाइटिंग का फीचर भी दिया गया है। जहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है मोबाइल फोन पे तो साइड की एजेस से आपको लाइट देखने को मिलेगी और जो कलर आपको अच्छा लगता हो वो आप लाइट रख सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में, फिर आपको थोड़ा सा नीचे आ रहा है डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, डिस्प्ले पे आप टैप कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नीचे एज लाइटिंग। जस्ट आप यहाँ पे एज लाइटिंग पे
क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आप ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से मैसेजेस पे आपको ये एज लाइटिंग चाहिए। यहाँ पे आपको बता दूँ आपको कलर मिलते हैं कुछ इस तरह से, आपको साइड के जैसे लाइट आएगी आप देखिए, जो काफ़ी कूल और बहुत ही अच्छा दिखता है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो आपको चाहिए आप यहाँ पर सर्च करके अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में जब भी कोई भी मैसेजेस कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो साइड के स्क्रीन से लाइट आएगी एंड ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा और ये मुझे फीचर बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर आपके मोबाइल फ़ोन में ट्राई कीजिए। एंड लास्ट वन फिफ्थ फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। देखिए ये एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सभी के लिए, जहाँ पे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस कर देते हो तो वहाँ पे आप जाके इजीली देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे सेम सेटिंग में और स्क्रॉल डाउन करते हो आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इस पर टैप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, तो जस्ट आप इस पर टैप कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसे इनेबल करना होगा, जैसे आप इसे इनेबल करोगे जितने भी रिसेंट नोटिफिकेशंस रहेंगे वो आपको सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो भी आप यहाँ पे मिस करोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो तो इसे इनेबल करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यही थे टॉप 5 फीचर्स जो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये थे कुछ टॉप 5 फीचर्स जो मैंने आपको बताया है लावा एग्निटू 5G के, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और साथ ही में इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए और कुछ इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।